हाँ कह दिया यूनुस को? हाँ वो भी आ रहा है निकल। हाँ बस ठीक है, निकाल निकाल आ रहा है। बस ठीक है, हाँ रियाज ने बोला बोला आ जाएगा यूनुस, ठीक है ओके। अच्छा ठीक है, आ जा शेड आ जा। आखिरकार दोपहर 1 बजे गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है और इसे रवानगी का टोकन मिल जाता है। इंजन की सीटी और पहियों की छुक छुक से बेचैन धड़कनों को करार मिल रहा है। ट्रेन की अगली मंजिल डेरा अलहयार का स्टेशन है। मंजिल तक पहुंचने की जल्दी हो तो रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आती हैं। ट्रेन डेरा अलहयार पहुंची तो उसे आगे जाने से फिर रोक दिया गया। सर क्या हुआ है आगे? आगे जनाब लाइन नहीं मिल रहा है, अभी एडवांस पायलट आ रही है, उसके बाद चिल्तन आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। कितनी देर में? तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसको। क्योंकि दूसरी मुसाफिर ट्रेनों के आने का वक्त हो चुका है, आज का दिन भी गुजर गया और नौताल में पानी की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए ये तय पाया। तो इंजन में तेल जो है 4 इंच है, इस वजह से मैं इसको ले जा रहा हूँ जैकाबाद। सुबह एडवांस पायलट के पीछे ले आऊंगा और ट्रेन वर्क करूंगा। हाँ जी, वो पानी इसमें भरा हुआ है टैंकी में, इसलिए इसका है, जैसे आप कहें मैं साइडिंग में रखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, एज पर यूर ऑर्डर, एज पर यूर ऑर्डर। कि इंजन को वापस जैकबाबाद स्टेशन रवाना किया जाएगा और अगली सुबह नया इंजन भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस इंजन का डीजल तकरीबन जाये हो चुका है। सुबह के 6 बजे नए इंजन का इंतजार है। आखिरकार नया इंजन पहुंचता है और इस ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। ट्रेन कई इलाकों से गुजरती हुई पहुंचेगी अपनी पहली मंजिल पर, जिसका नाम है नौताल। देखते ही नौताल के बाशिंदे अपने अपने घरों से पानी के हुसूल के लिए निकल आते हैं। वो ट्रेन वाला है 15-20 दिन के बाद एक ट्रेन में दे देते हैं टैंकी, वो फिर उसको ऐसा ऐसा चलाते हैं पीने के लिए। अभी वो है, जब ये बारिश का पानी सूख जाता है फिर तो हम मजबूरी तौर पर बैठ जाते हैं, जब उसका इंतजार करते हैं, जब पानी आता है तो पीते हैं, नहीं तो इसी तरह बैठे हैं। चेहरों की खुशी दीदनी है, हर शख्स ज्यादा से ज्यादा पानी हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, ताकि इतना पानी मिल जाए जो अगली ट्रेन के आने तक चल सके। ये ट्रेन अपना एक डब्बा नौताल स्टेशन पर छोड़ने के बाद बाकी डब्बों के साथ अपनी आखिरी मंजिल के लिए रवा दवा है। सफर में कई मुशाहदे और तजर्बे ऐसे होते हैं जो जिंदगी की नई हकीकतों से रोशनास कराते हैं।
हजार तरह के किस्से सफर में होते हैं। ये भी एक ऐसा ही सफर था। थोड़े थोड़े फासले पर इस ट्रेन को रोका जाता है और पानी के मुंतजर लोग अपनी जरूरत के लिए पानी हासिल करते हैं। पानी की ये अहमियत देखकर ख्याल आता है कि शहरों में लोग पानी कितना जाया करते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती है और सफर का इख्तिताम होता है। मालगाड़ी के जरिए पहुंचने वाला ये आलूदा पानी इन लोगों के लिए तो आबे हयात है। ये वसीला भी ना हो तो यहां के लोग प्यासे मर जाएं। नौताल के लोगों के लिए वाटर डे मनाने का मकसद उस दिन पूरा होगा जब यहां अधूरी पाइपलाइन मुकम्मल होगी और पानी यहां तक पहुंचेगा, जिसकी फराहमी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है।